मैंने कल अपना रुपी पार्क ऐप नहीं है, रुपी पार्क, तो उसमें सर मैंने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एक किए थे, तो उन लोगों ने बिना पूछे मेरे अकाउंट पे 13,000 ट्रांसफर कर दिया और मेरे को हैरेस करे कि 20,000 देने के लिए। अच्छा ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फेक ऐप है, आप इनका रिपेमेंट भी कर देंगे तो भी आपको ये ब्लैकमेल करेंगे, हफ्ते भर में ये आपसे डबल अमाउंट मांगेंगे और हाँ फिर इसी तरीके से आपके अकाउंट में ऑटो क्रेडिट करते जाएंगे और फिर आपसे हफ्ते भर में उसका डबल वसूलते जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा मतलब कि फाइनेंशियल लॉस होगा। आप सोचेंगे कि हम पे करके निकल जाएं, बट फिर वो दोबारा ऑटो क्रेडिट, फिर दोबारा हफ्ते भर में डबल। तो अभी सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्योंकि ये फेक ऐप है, कहीं से भी हाँ लीगल नहीं है, इनके पास कोई भी लाइसेंस परमिशन लोन लेने का और देने का कहीं से भी नहीं है, लेकिन आम आदमी को जानकारी नहीं होने की वजह से ये इसी तरीके से आपको फंसा के आपसे पैसे निकाले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, नहीं करना है, वो सारा कुछ मैं आपको एडवाइस और हेल्प कर देता हूँ। कहीं से भी आपको ना ही इनका पेमेंट का टेंशन रहेगा, ना ही इनके ब्लैकमेलिंग कॉल्स का, ना ही कोई लीगल इशू का। इनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे डील करना है, जिससे कि ना कॉन्टैक्ट में बदनामी का डर रहे, ना परेशान हो, ना कॉन्टैक्ट। वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी भी बची रहे और किसी भी तरीके से इस मामले को लेके आप भविष्य में भी परेशान नहीं हो। जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इनको पैसे दे के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट पैसे देने का मतलब है खुद को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डालना। अब इस मामले को पिछले 4 सालों से हम लोग हेल्प कर रहे हैं, हर एक वो चीज़ें जो कि इसमें होती हैं, क्या उसका सॉल्यूशन है, किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए, जिससे कि आप का ना पैसा बर्बाद हो, ना समय बर्बाद हो और ना ही किसी तरीके की मानसिक परेशानी। इसलिए जिस भी नंबर से आपको परेशान हैं, जिस लोन ऐप का नाम और अपना प्रॉब्लम या जो भी उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप फॉरवर्ड कर दें। क्या ये मोबाइल गैलरी हैक करेंगे, नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे डिलीट करें, कैसे इनको रोकें, इनके अगेंस्ट कंप्लेन कैसे करें, कॉन्टैक्ट में अगर ऑलरेडी मैसेज कर दिया तो उस हालात में हमें क्या कॉन्टैक्ट वालों को कहना है, जिससे कि हमारे बारे में ना ही बदनामी हो और ना ही कोई नेगेटिव इंप्रेशन रखे। सो जस्ट आप हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय पैसा बचाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ किसी भी कानूनी मदद के लिए, चाहे वो फैमिली हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, प्रॉपर्टी का मैटर हो।